मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि कुछ लोग किसी के सुसाइड करने के बाद ही ऑल ऑफ अ सडन इंसान, महात्मा, ज्ञान गुरु, पीस गिवर्स कैसे बन जाते हैं। बाकी के दिन ये लोग कहाँ गायब होते हैं, कैसे खो जाते हैं? क्या इनको इनके आसपास के इंसानों के हालचाल के बारे में कुछ पता नहीं होता है? सबको सब कुछ पता होता है, पर सब लोग बिजी रहते हैं, या पता नहीं खाली बिजी रहने का दिखावा करते हैं ताकि परेशानियों से घिरा हुआ इंसान कुछ बोल ही ना पाए। और अगर वो हिम्मत करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बोलने भी जाए ना, या अपनी मनोदशा का हिंट भी देना, तो यही वो लोग हैं जो कन्नी काट लेते हैं, या तो अनदेखा कर देते हैं, या तीन चार ज्ञान भरी बातें देकर वहां से खिसक लेते हैं। और उसकी इन्हीं बातों को वो अपने दोस्तों के साथ मिलके चटकारे ले लेके हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गॉसिप्स करते हैं। क्या ये लोग अपने डेली रूटीन में एक दूसरे को वो इज्जत, वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट देते हैं कि कोई इनसे जाकर खुल के अपनी बात कर सके? नहीं ना, कभी नहीं। ये लोग ना अपने आप को क्या बोलूं मैं, ये लोग अपने आप को हमेशा एक लेवल ऊपर समझते हैं इन लोगों से। और जिनको भी ये दुखी, तनावग्रस्त या अपने आप से थोड़ा भी नीचा समझते हैं ना, उनसे ये ऑलरेडी चार कदम की दूरी बना के रखते हैं। और अगर भूले भटके ये लोग पास आ भी गए तो सब ठीक हो जाएगा कह के पल्ला झाड़ के वहां से निकल लेते हैं। मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूं, मैंने भी स्ट्रगल किया है, इनफैक्ट मैं तो आज भी कर रही हूं, हर आर्टिस्ट करता है। ऐसे मियां मिट्ठू ज्ञान गुरु को ना मैंने अपने ही शो में, अपने ही आसपास देखा हुआ है। कुछ लोगों की बातों से मैं भी हर्ट हुई हूं, मैंने भी तनाव महसूस किया है, पर मैं लकीली अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूं क्योंकि मेरी फैमिली साथ में है। और हाँ, मुझे इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं। यहां पे कुछ ऐसे ही अपने लोग हैं, कुछ इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जो हर मोड़ पर आपको वर्थलेस फील कराने की कोशिश करते रहेंगे। और उन्हीं लोगों में ये सो कॉल्ड ओवरनाइट पैदा होने वाले ज्ञान गुरु भी शामिल होते हैं। इन सबको देख के मैंने इतना तो समझ लिया है कि हमें खुद की कीमत खुद ही समझनी होगी। हमें कभी भी अपने आप को वर्थलेस फील होने नहीं देना है। खैर, मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ, कमिंग टू द पॉइंट, ये बस मेरी थोड़ी सी नाराजगी थी उन सो कॉल्ड ज्ञान गुरुओं की वजह से जो फ्री के मेंटल हेल्थ के लेसन्स देते हैं। यार, आप लोग ये अपनी क्लासेस जो मेंटल हेल्थ की आप लोग लेते हो वो सिर्फ टेम्पररी क्यों होती है? मेरा मतलब है कि जब कोई सुसाइड कर लेता है उसके बाद ही आपके ये टेम्पररी मेंटल हेल्थ के लेसन्स क्यों चलते हैं? ये क्लासेस तो ऑल टाइम अवेलेबल होनी चाहिए ना। बात करते हैं, मसीहा मत बनो, इंसान बन जाओ।